अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक पीने के शौकीन हैं, तो यकीनन आपने कई तरह के पेय पदार्थ चखे होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ढक्कन के नीचे हमेशा गोल्ड रिंग क्यों होता है? या फिर क्या आप उस गांव का नाम जानते हैं जहां का मेयर एक इंसान नहीं बल्कि शराबी बकरी है? क्या आप जानते हैं कि एक बार एक व्यक्ति ने एफिल टॉवर को उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन क्यों? यकीनन इन सवालों के जवाब आप नहीं जानते होंगे, तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं ये मजेदार वीडियो। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह, अमेजिंग फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। फैक्ट नंबर वन, कई बार इंसान के साथ ऐसी घटना हो जाती है जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा होता है। दरअसल चीन में एक व्यक्ति अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे के बीच लगभग 25 सालों तक रोजाना अखरोट तोड़कर खाता था, जिसके लिए वह एक खास प्रकार के औजार का इस्तेमाल करता था। ऐसे में 25 साल तक उस औजार से अखरोट तोड़ने के बाद उस व्यक्ति को एक दिन पता चला कि जिस चीज से वह अखरोट तोड़ रहा है वो असल में एक जिंदा हैंड ग्रेनेड है। इसके बाद उस एक्टिव हैंड ग्रेनेड को लैब में रिसर्च के लिए ले जाया गया, जहां यह पता चला कि वह ग्रेनेड अभी भी एक्टिव है और जरा सी चिंगारी मिलने पर फट सकता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वह व्यक्ति बहुत ज्यादा खुशकिस्मत था कि 25 सालों तक जिंदा ग्रेनेड से अखरोट तोड़ने के बाद भी वह फटा नहीं और वह व्यक्ति जीवित बच गया। इसलिए ऐसी किसी भी अजीबोगरीब चीज का इस्तेमाल करने से पहले उसकी जांच जरूर कर लेनी चाहिए, क्या पता कब कौन सी चीज आपके लिए विस्फोटक साबित हो जाए। फैक्ट नंबर टू, यूं तो आज के आधुनिक युग में हर कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी को परफ्यूम लगाने की इजाजत होती है ताकि उसकी पर्सनैलिटी बेहतर दिखे और दिन भर आने वाले पसीने की बदबू भी दूर हो, लेकिन दुनिया में एक ऐसी कंपनी भी मौजूद है जिसके कर्मचारियों को परफ्यूम लगाकर काम करने की इजाजत नहीं दी जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस कंपनी का नाम है स्टारबक्स। दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉफी बेचने वाली स्टारबक्स में कर्मचारियों को परफ्यूम लगाकर काम करने की इजाजत नहीं है, जिसके पीछे की वजह भी काफी ज्यादा दिलचस्प है। दरअसल स्टारबक्स का मानना है कि अगर उनके कर्मचारी परफ्यूम लगाकर काम करेंगे तो उससे कॉफी की असल खुशबू कवर हो जाएगी। ऐसा होने से ग्राहक कॉफी की असली खुशबू के संपर्क में नहीं आ पाएंगे और न ही उन्हें कॉफी पीने का मन करेगा, जिसकी वजह से कंपनी की सेल पर असर पड़ेगा। यही वजह है कि स्टारबक्स में काम करने वाले कर्मचारियों को परफ्यूम लगाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि कंपनी अपनी कॉफी के स्वाद में किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। फैक्ट नंबर थ्री, अगर आप गीजा के पिरामिड देखना चाहते हैं और वहां तस्वीर क्लिक करवाना चाहते हैं, तो भूलकर भी पिरामिड के ऊपर चढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। दरअसल मिस्र में मौजूद गीजा समेत किसी भी पिरामिड की छत यानी सबसे ऊपरी हिस्से पर चढ़ने की इजाजत किसी को नहीं है। ऐसा करने पर आपको भारी जुर्माने के साथ साथ जेल की सजा हो सकती है। दरअसल मिस्र के लोग पिरामिड को बहुत ही पवित्र मानते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति उस पर पैर रखने की कोशिश करता है तो वह सीधे तौर पर पिरामिड और उसकी सभ्यता का अपमान कर रहा है, इसलिए पिरामिड के ऊपरी हिस्से पर चढ़कर फोटो क्लिक करवाना सख्त मना है। फिर चाहे आप विदेशी पर्यटक ही क्यों ना हो, यानी कि आप हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से पिरामिड के ऊपरी छोर का फोटो खींच सकते हैं, लेकिन खुद उस पर चढ़कर फोटो नहीं खिंचवा सकते हैं। फैक्ट नंबर फोर, आपने आज तक कई प्रकार के परफ्यूम का इस्तेमाल किया होगा जिसकी खुशबू बहुत ही मनमोहक होती है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे परफ्यूम के बारे में सुना है जिसकी बोतल का डिजाइन पेट्रोल पंप के मीटर की तरह होता है और उसके अंदर मौजूद परफ्यूम की स्मेल भी पेट्रोल की तरह होती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस खास तरह के परफ्यूम को हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसे मशहूर कार कंपनी फोर्ड द्वारा बनाया गया है। इस परफ्यूम का नाम मको है, जो भारत में डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों से प्रेरित होकर बनाया गया है। इस परफ्यूम के डिजाइन को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पसंद किया गया है और कई लोगों ने इसे लेकर पेट्रोल के बढ़ते दामों पर तंज कसने का काम भी किया है। फैक्ट नंबर फाइव, कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में किसी शख्स या घटना को लेकर डर और खतरे का एहसास होता है, जिसे आप कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति या घटना को देखकर खतरे का एहसास करना असल में एक तरह का संकेत होता है जो हमारे दिमाग द्वारा भेजा जाता है। इंसान के दिमाग में ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं जो किसी व्यक्ति या घटना को देखकर तुरंत खतरे को भांप लेते हैं। ऐसे में दिमाग तुरंत हमें उस चीज से सतर्क रहने के लिए संकेत भेजता है, जिसकी वजह से इंसान को डर या खतरे का एहसास होता है। ऐसे में अगर आपको या आपके बच्चे को किसी शख्स को देखकर खतरे का एहसास हो या ऐसा लगे कि वह आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो तुरंत इस संकेत को समझकर वहां से दूर हो जाएं। एक रिसर्च से पता चलता है कि लगभग 90% मामलों में दिमाग द्वारा दिए गए खतरे के संकेत सच साबित होते हैं, इसलिए कभी भी इस तरह के संकेतों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। फैक्ट नंबर सिक्स,
ये तो हम सभी जानते हैं कि तमाम देशों और स्पेस का कचरा किसी न किसी रूप में समुद्र में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से जलीय जीवन संकट में पड़ रहा है। इतना ही नहीं, समुद्र में प्लास्टिक की अत्यधिक मात्रा होने की वजह से उसका जल भी दूषित हो रहा है और वहाँ रहने वाले जानवरों की मौत का कारण बन रहा है। लेकिन हाल ही में की गई एक रिसर्च से पता चलता है कि समुद्र में कूड़े कचरे के साथ साथ मानव मल को भी बड़े पैमाने पर फेंका जा रहा है, और ऐसा करने वाला देश कोई और नहीं बल्कि चीन है। चीन कई सालों से अपने देश का मानव मल समुद्र में फेंक रहा है, लेकिन शुरुआत में ये गंदगी साफ तौर पर दिखाई नहीं देती थी। लेकिन अब इस मल की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इसे समुद्री पानी में भी आसानी से देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, इस गंदगी को स्पेस से भी कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है। इस गंदगी की वजह से समुद्री जीवन तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ में इसका असर मानव जीवन और सी फूड खाने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की इस हरकत के लिए उसे फटकार भी लगाई गई है, लेकिन यह ड्रैगन देश हमेशा अपनी गलती मानने से साफ इनकार कर देता है। फैक्ट नंबर 7, यू तो पांडा की क्यूट शक्ल और गोलमोल शरीर हर किसी को बहुत पसंद आता है, जिसकी वजह से इसे एनिमल किंगडम का सबसे प्यारा जानवर भी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पांडा क्यूट होने के साथ साथ काफी मददगार जानवर भी होता है, जो अपनी प्रजाति के जीव की हर तरह से सहायता करता है। दरअसल यूं तो पांडा जोड़े में अकेले रहता है, लेकिन जब उसके समूह के किसी दूसरे पांडा को परेशानी होती है तो सभी पांडा मिलकर उसकी मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। फिर चाहे वह बांस के पेड़ पर चढ़ना हो या फिर किसी दुश्मन जीव से अपने साथी की रक्षा करना, पांडा हमेशा मदद करने में आगे रहता है। हालांकि ये बात अलग है कि पांडा को सबसे आलसी जीव भी माना जाता है, जो घंटों तक एक ही जगह पर बैठकर पूरा दिन बिता सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ संकट की घड़ी में यह जीव बहुत ही फुर्ती के साथ अपनी प्रजाति के दूसरे जीव की मदद करता है, जबकि एनिमल किंगडम के ज्यादातर जानवर अपनी प्रजाति के जीवों को देखकर इलाके या खाने को लेकर लड़ाई शुरू कर देते हैं। फैक्ट नंबर 8, फ्रांस की राजधानी पेरिस को दुनिया का सबसे रोमांटिक और आकर्षक शहर माना जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है वहाँ मौजूद एफिल टॉवर। इस स्मारक को देखने के लिए दुनिया भर के लव कपल्स पेरिस जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार एक शख्स ने एफिल टावर को उड़ाने का फैसला कर लिया था। दरअसल उस शख्स का घर एफिल टावर के बिल्कुल सामने मौजूद था। ऐसे में रात के समय जब वह सोने की कोशिश करता था तो एफिल टावर में जगमगाने वाली रोशनी की वजह से उसे नींद नहीं आती। पहले तो उस शख्स ने पर्दों की मदद से रोशनी को कमरे में आने से रोकने की कोशिश की, लेकिन एफिल टावर की रोशनी इतनी ज्यादा थी कि पर्दों से उसका काम नहीं बना। ऐसे में तंग आकर उस शख्स ने एफिल टावर को बम से उड़ाने का प्लान बनाया, लेकिन इससे पहले कि वह अपने प्लान को हकीकत में बदल पाता, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब पुलिस को उस शख्स की परेशानी के बारे में पता चला तो उन्होंने एफिल टावर की हाई अथॉरिटी से बातचीत की, जिसके बाद एफिल टावर की रोशनी को काफी हद तक धीमा कर दिया गया ताकि रात के समय किसी की नींद में खलल ना पड़े। फैक्ट नंबर 9, इस फैक्ट को जानने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि दुनिया में कुछ भी मुमकिन है, बस उसे करने के लिए जिगर होना चाहिए। आपने आज तक इंसान को मेयर का पद संभालते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां का मेयर कोई इंसान नहीं बल्कि एक बकरी है। यह बकरी ऐसी वैसी नहीं बल्कि बियर भी पीती है और स्थानीय लोग उसे बहुत ही लाड़ प्यार से बियर पिलाते हैं। दरअसल यूएस के टेक्सास राज्य में लाजिटस नामक एक छोटा सा गाँव है जहाँ क्ले हेनरी नाम की एक बकरी मेयर का पद संभाल रही है। इस गांव में मेयर के पद को हासिल करने का जिम्मा एक बिजनेसमैन ने उठाया और उसने एक बकरी को इलेक्शन में खड़ा किया, लेकिन पहले साल बकरी इलेक्शन हार गई। लेकिन अगले साल एक बार फिर मेयर के चुनाव हुए और इस बार क्ले हेनरी नामक बकरी को पद जीतने में सफलता हासिल हुई, जिसके बाद इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए स्थानीय लोगों समेत बकरी को भी बियर पिलाई गई। क्ले हेनरी बकरी को मेयर बनाने का मुख्य मकसद गांव में टूरिज्म को बढ़ावा देना था, जिसके लिए उस बिजनेसमैन ने जानबूझकर एक बकरी को इलेक्शन में खड़ा किया। हालांकि मेयर का पद जीत लेने के बाद क्ले हेनरी को बियर पीने की ऐसी आदत लग गई कि वह रोजाना कम से कम 5 से 6 बोतल बियर पी जाती है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी मौजूद है। यूएस के अन्य राज्यों से पर्यटक सिर्फ इस बियर पीने वाली बकरी को देखने के लिए आते हैं और उसे अलग अलग ब्रांड की बियर पिलाते हैं, जिसकी वजह से इस गांव में टूरिज्म काफी हद तक बढ़ चुका है। अब तो आप समझ गए होंगे एक गांव की मेयर बकरी कैसे हो सकती है और उसे बियर पीने की आदत कैसे लग गई। फैक्ट नंबर 10, अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीने के शौकीन हैं तो यकीनन आप अलग अलग ब्रांड के कोल्ड ड्रिंक की बोतल जरूर खरीदते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोल्ड ड्रिंक या नॉर्मल पानी की बोतल के ढक्कन के नीचे गोल आकार की रिंग क्यों होती है और उसका क्या इस्तेमाल होता है? दरअसल इस रिंग को खास मकसद से बोतल में लगाया जाता है,
इस वजह से पानी या ड्रिंक को लंबे समय तक ताजा और फ्रेश रखा जाता है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर कई तरह के सोडा और फ्लेवर मौजूद होते हैं, जिन्हें लंबे समय तक बोतल के अंदर बनाए रखने के लिए सील की जरूरत होती है। इसलिए बोतल के ढक्कन के नीचे गोल आकार की रिंग लगाई जाती है, जो बोतल को सील करने का काम करती है। इस रिंग को लगाए जाने का दूसरा मकसद है ग्राहकों की सुरक्षा और सेहत का ख्याल रखना, क्योंकि कई बार खाली बोतल के अंदर गंदा पानी या ड्रिंक भरकर दोबारा भेज देते हैं। ऐसे में अगर बोतल की रिंग ढक्कन से पूरी तरह से जुड़ी हुई नहीं है तो ये साफ है कि बोतल को दोबारा यूज किया जा रहा है। इसलिए अगर बोतल की सील खुली हुई है तो आपको उस बोतल को नहीं खरीदना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।